में है, ये देखिए। और सबसे इंटरेस्टिंग जो ट्विस्ट वाला, थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ। आपको पता ही है इसके बारे में, मैंने बहुत बार दिखाया है, मैं इसे वीक में दो बार लगाती हूँ। कॉफी फेस मास्क है ये। तो सबसे पहले मैं इसको लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। ब्लॉग में मैं एक रेसिपी डालूंगी हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, फ्राइड है, तो हम लोगों के लिए बहुत ही चटपटा, बहुत ही रसीलेदार एक रेसिपी जो आप सभी को बहुत ही पसंद है, उसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो मैं रेसिपी जब डालूंगी आप देख लेना। तो आपको मैंने बोला था कि एक रैक मैंने मंगवाया है, वो आ चुका है, आप पीछे देख सकते हो, ये देखिए मैंने इसको सजा भी दिया है। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाया था, पर आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि हो नहीं पा रहा था। तो अभी वो आप अनबॉक्सिंग वीडियो देख लो, वो आज का नहीं है, वो कल का है, पर आप देख लो। देखिए मैंने आपको बोला था कि एक और ड्रायर मैंने ऑर्डर दिया है, वो आज सुबह ही देखे गए हैं। ये देखिए वो, मैंने कितने दिनों से इसको देखा था, लेकिन मतलब लेना नहीं हो रहा था क्योंकि मैं सोच रही थी कि कैसा साइज होगा, क्या होगा, अच्छा होगा। फिर रिजू के घर में मैंने देखा तो मैंने झटपट मैंने ऑर्डर दे दिया। ये बेसिकली नाइटी चुप मुंह बंद टिश्यू बॉक्स है ये देखिए, लेकिन इसको मैं कवर कर दूंगी, मैं इसको खोलती हूँ। ड्रॉयर है छोटा छोटा, ये देखिए इसमें आप सेफ्टी पिन क्लिप ये सब रख सकते हो। ए? बड़ा साइज का, छोटा थोड़ा सा बड़ा, और ये सबसे बड़ा। तो ये है वो, ये बेसिकली टिश्यू बॉक्स है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए। पर इसको मैंने बना दिया है पैसे रखने की जगह, आसानी होता है, जो भी छुट्टे बचते हैं मैं इसे रख देती हूँ, ये देखिए। ये सबसे बड़ा वाला कैबिनेट है, इसकी इससे छोटा है ये। मैंने कुछ ये तार रखा है, वो चार्जिंग तार, और ये दो मैंने रखा है इधर, और भी स्पेस है और कुछ भी रख सकती हूँ। और इधर मैंने रखा है ये सेफ्टी पिन ये सब, और इधर है मेरे क्लैचर्स क्लिप्स ये सब। ये देखिए, और उस ये जो टेबल है इसको
पूरा खाली कर दिया है और ऐसे इसको डेकोरेट किया है। ये रैक आपने देखा था तब, इसको हमने मतलब यहाँ पे लगाया था, तो इसके ऊपर एक ऐसे रख दिया है फूलदानी वास और फ्लावर वास, और इसके नीचे ये, और ये फ्लावर्स मैंने मंगवाए थे इधर से ही। अच्छा है ना कलर। मैं मेरे रूम में ना सिर्फ रेड एंड वाइट ही लगाती हूँ क्योंकि रूम का कलर ऐसा है, लेकिन आज इस बार सोचा कि थोड़ा सा अलग कलर लगा के भी देखती हूँ कैसा लगता है, तो ये अच्छा लग रहा है। तो आपको मेरा ये डेकोरेशन, ये पीछे वाला छोटा सा स्मॉल डेकोरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी चलिए रेसिपी में चलते हैं क्योंकि रेसिपी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी को मैंने थोड़ा सा इजी वे में बनाया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आज शाम में चाय के साथ तो आप उसको ज़रूर बनाना घर पर। तो चलिए रेसिपी में चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग द डो। तो डो बनाने से पहले मैं चाउमीन को साइड में ही उबालने के लिए रख दे रही हूँ क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं साइड में रख रही हूँ उसको। और डो बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी मैदा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन एंड ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि ज़्यादा आप ऑयल डालोगे तो लास्ट में जो समोसा है वो क्रिस्पी बनेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा को गूंद रही हूँ, मैदे को गूंद रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गूंदने के लिए, रोटी के जैसा ही मुझे गूंदना है टाइम लेके। ये हो गया है मेरा रेडी और ये जो चाउमीन है वो भी बॉयल हो गया है, तो मैं चाउमीन को एक छन्नी के मदद से छान रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल रही हूँ जिससे चाउमीन का जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। और अभी टाइम है प्रिपेयरिंग द स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने लिया है एक छोटा सा प्याज, उसको मैंने एकदम बारीक काट लिया है। अभी मैं कैप्सिकम काट रही हूँ, एकदम बारीक काटना है सभी चीजों को। अभी मैं पनीर के क्यूब्स काट रही हूँ। पनीर के क्यूब्स को आप थोड़ा थोड़ा बड़ा ही रखिए क्योंकि ये जब मुंह में पड़ेगा तो अच्छा लगेगा टेस्ट में। अभी मैं लहसुन की दो कलियां मैंने लिया था उसको भी मैं एकदम बारीक बारीक काट लूंगी। और पहले से ही मैंने अदरक को घिस के रख दिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो। और इसके साथ ही मैंने एक हरी मिर्च को भी काट के रख दिया था। एक पैन ले लिया है मैंने, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, जीरा एंड थोड़ा सा हींग डाल दिया है। जीरा जब तड़कने लगेगा इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अभी अदरक घिसा हुआ एंड उसके साथ ही एक हरी मिर्च। और जो चीज़ें मैंने काटा था मैं सबको अभी एक एक करके डाल रही हूँ। सबसे पहले डाला था लहसुन, उसके बाद प्याज, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अभी डाल रही हूँ कैप्सिकम, इसको भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर रही हूँ। और अभी डाल रही हूँ बॉयल्ड मैश्ड पोटैटो हाफ, इसे बाइंडिंग जो है वो अच्छा रहता है स्टफिंग का। अभी मैं डाल रही हूँ चाउमीन, सबको अच्छे से मैं मिला रही हूँ। और अभी मैं डाल रही हूँ पनीर के क्यूब्स। ये घर का बना हुआ एक मसाला है, मैं लास्ट में बता दूंगी आपको इसमें मैंने क्या क्या डाला था, वो मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है। और ये मैंने डाल दिया है मार्केट से लिया हुआ चाउमीन मसाला। अगर आपके पास नहीं हुआ तो आप पैकेट के अंदर ही जो मसाला देते हैं चाउमीन के अंदर वही आप डाल सकते हो। तो थोड़ा सा चलाने के बाद ये रेडी हो गया है, अभी मैं इसको उठा के साइड में रख रही हूँ। अभी ये नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में मैं दिखाऊंगी आपको मैं समोसा को कैसे फोल्ड करती हूँ और फ्राई करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लेची बना रही हूँ मैदे का। रोटी आप जैसे बनाते हो उसी साइज का आपको लेची बनाना है और इसको लंबा लंबा आपको बेल लेना है। बेलने के लिए मैदा या तेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सफिशियंट तेल मैंने आटा गूंदने के टाइम पर डाला था। ये हो गया है और बीच में से मैं एक छन्नी की मदद से इसको काट लिया है मैंने, आप चाकू की मदद से भी काट सकते हो। अभी है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है फोल्डिंग। तो फोल्डिंग के लिए सबसे पहले मैंने ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा पानी लगाया है और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। पानी लगा के ही आप फोल्ड कीजिए, नहीं तो जब आप इसको गर्म तेल में डालोगे तो ये खुल जाएगा। इसके ऊपर मैंने अच्छे से स्टफिंग को भर दिया है और ऊपर के साइड को भी थोड़ा सा पानी लगा के मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ।
ऐसे ही एक एक करके मैं सारे समोसास को मैं फोल्ड कर लूंगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो मैं आपको दे देती हूँ कि आपको फ्राई करना है एकदम लो टेम्परेचर में, 15 से 20 मिनट तक। कम टाइम लेके आप फ्राई मत कीजिए, नहीं तो बाहर से पक जाएंगे, अंदर से एकदम ही खस्ता कुड़कुड़ी नहीं बनेंगे। ये हो गया है, अभी मैंने एक पैन को चढ़ा दिया है, इसके ऊपर मैंने सफिशियंट तेल डाल दिया है। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो रहा है तब मैं इसमें डाल रही हूँ समोसास। ऑयल को ज़्यादा गर्म मत कीजिए और मैं बार बार बोल रही हूँ, टेम्परेचर एकदम सीम पे करके, लो पे करके आपको इसको फ्राई करना है और 15 से 20 मिनट मिनिमम इसको उलट पलट के आपको फ्राई करना है, नहीं तो ये कुरकुरी खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, मैंने बीच में बार बार इसको उलट पलट के मैंने फ्राई किया था। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना ज़्यादा खस्ता बने हैं, कितना ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। साउंड से ही आप समझ चुके होंगे कि कितना ज़्यादा ये खस्ता बने हैं। ये देखिए, और सबसे इंटरेस्टिंग जो ट्विस्ट वाला पार्ट है वो है इसके अंदर का स्टफिंग। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।